आपको बता दें कि लक्सर के झीवरहेड़ी गांव में 7 साल पहले ग्राम प्रधान के परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एडीजी कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को दोषी माना जा रहा है। उन्हें 7 अलग अलग धाराओं में अधिकतम 8 साल की कैद तथा 42,000 रुपये जुर्माना देने या 11 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि 2016 में झीवरहेड़ी के तत्कालीन प्रधान के परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें गांव के मुस्ताक फयाज, इशाक रियाजुल, पुत्रगढ़ नूर बख्स, निशार इशाक, पुत्रगढ़ एहसान इलाही, सलमान पुत्र सुल्तान, जाकिर पुत्र फिरा हसन व शेर अली पुत्र रियासत आरोपी थे। पुलिस ने इनके खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। सुनवाई के दौरान मोहम्मद सज्जाद, चंद्रपाल सिंह व श्याम लाल ने आरोपियों की तरफ से पैरवी की है। एक वादी मुकदमा मोहम्मद परवस ने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके चाचा सलीम सरकारी धन से सड़क बनवा रहे थे गांव में दिनांक 2/3/2016 को। तो वहां पे ये मुलजिमान फयाज, रियाजुल और इशाक आदि लोग आ गए, इन्होंने जबरदस्ती काम रुकवा दिया और मारपीट की। इसकी सूचना सलीम ने थाने पर दे दी, जिससे ये लोगों ने रंजिशन अगले दिन जब ये लोग वहां पर अली हसन, मुनसब मेहरबान, महबूब, नूर हसन जो ये सलीम के परिवार के लोग थे, खेत में काम कर रहे थे।